हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। जिस मैंने शेड्यूल्स में पहले ही बताया था कि हम लोग अब क्लास 12 का काउंट स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। इसके लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। अभी तो स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर में हम लोग नॉर्मली कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। आपके पास जो भी ओल्ड एडिशन भी होगा वो भी चलेगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है और अभी शुरू के जो फंडामेंटल्स हैं वो हम लोगों के नॉर्मली हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस वाली कोई बात नहीं है। तो हम लोग आज से थोड़ा सा अपना रिदम में आते हैं। हम लोग आज से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, इसमें कोई ऐसा कोई खास चीज़ें नहीं है। इसमें एक दो चीज़ें कंसेप्ट वाइज थोड़ी सी कराते जाऊंगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, फंडामेंटल्स, ठीक है। इसके लिए जो डीएस के लेवल में ये सेकेंड चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा एनपीओ का है, ठीक है ना, एनजीओ वाला है, जो वो हम आगे बाद में देखेंगे। हो सकता है कि जो हमारा नया सिलेबस आने वाला है उसमें कुछ थोड़ा सा वो डिडक्ट करें कुछ मटेरियल, क्योंकि अब टाइम पीरियड इतना कम है कि वो नए सिलेबस में क्या डालने वाले हैं क्या नहीं, ये अभी उनको कुछ हमें भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हो सकता है कि सिलेबस 20-25% रिड्यूस हो जाएगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जो शुरू के चैप्टर हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं वो तो कॉमन ही रहेंगे। लास्ट के जरूर पार्ट 3 की जो बुक है हमारी एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से कुछ मटेरियल कम होने की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है, और कंपनी में भी कुछ टॉपिक्स कम हो जाएंगे, और एनपीओ मुझे लग रहा है थोड़ा सा हट भी जाए, और पार्टनरशिप में रिजोल्यूशन वाला पार्ट है वो भी थोड़ा सा रिडक्शन होने के चांसेस है। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक्स हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है ना। चलो तो हम आज से पार्टनरशिप हमारी स्टार्ट करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि एंटिटी। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से हम लोग अपना सोल फॉर्म ऑफ द बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ द बिजनेस को चूज कैसे करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों पर क्या ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल है, क्या हमारे पास स्किल्स हैं उसके हिसाब से। तो पार्टनरशिप हम लोग क्यों करते हैं, आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमें स्किल्स ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क के लिए हमें पार्टनरशिप जरूरी होती है। कोलैबोरेशन स्किल्स होती हैं किसी किसी में, तो हमें उसके लिए हमें पार्टनरशिप करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें यही चीजों के लिए हमें पार्टनरशिप करनी पड़ती है। और भी क्या कंडीशन होती है हमें पार्टनरशिप करने के लिए, वाय द पार्टनरशिप नीड। सबसे पहले कि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी नहीं होती है, तो हम किसी भी बंदे को पार्टनर बना लेते हैं, उसके लिए हमें एक पार्टनर की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। सेकेंड होता है मैनेजर डिमांड बहुत होती है, हमें कोई ऐसे मैनेजर की जरूरत है जो हमारे बिजनेस को अच्छे से संभाल सके, हम उसको भी पार्टनर बना लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है वो पैसे लगा के ही हमारा पार्टनर बने, लेकिन हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द पार्टनरशिप। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं कि देखो फॉर्म ऑफ द बिजनेस हम लोग कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में ही बताया था कि एंटिटी कितने कितने टाइप की हो सकती है। जैसे पहले मैंने बताया सोल प्रोप्रेटरशिप, पार्टनरशिप जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, फिर एचयूएफ कंपनीज, ठीक है, एनपीओ, हम यही सारी चीजें यहाँ पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग हमें यहाँ पर क्लास 12 में हमें पार्टनरशिप की पढ़ने वाले हैं, कंपनीज की पढ़ने वाले हैं और एनपीओ की पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अभी जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है वो लोग हम लोग जरा चेक करते हैं, ठीक है। एज पर द सेक्शन 4 द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या कहता है, चलो अब वो हम लोग देखते हैं क्या कहता है इसके बारे में। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। कोई भी पर्सन है जो एग्रीड हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैरी द बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और प्रॉफिट शेयर को करने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल होगा, अकेला होगा तो वो अकेले ही प्रॉफिट कमा के अपने पास ही रिटेन करेगा, वो दूसरे को क्यों शेयर करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं 1,00,000 रुपए कमाता हूँ, मैं अकेला हूँ, तो ऑब्वियसली मैं पैसा मैं खुद ही रखूंगा। लेकिन जब एक से ज्यादा पर्सन बिजनेस में एंटर कर जाता है तो वो उसको शेयर करने का राइट देता है कि भाई ठीक है हम लोग आधा आधा रख लेंगे, या आप पैसे ज्यादा लगा रहे हो तो आप ज्यादा रख लो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्री टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब करेगा कौन, या तो सारे लोग मिलकर काम करें या फिर कोई एक बंदा सबको मिलकर काम करे। जैसे कि टीम है, कैप्टन होता है, वो सबको मिलकर काम कराता है, तो ऐसे ही यहां पर होता है कि पार्टनरशिप में भी यही होता है सेम, कि एक पर्सन सब लोगों के बिहाफ पर काम करे या सारे पार्टनर अपने अपने बिहाफ पर काम करें। उसको हम बोलते हैं एक्टिंग ऑन बाय ऑल और एनी देन एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बेटा कुछ फीचर्स होते हैं हमारे पार्टनरशिप के जो हमारी डेफिनेशन है उसी को कवर करते हैं। जैसे कि सिंपल से एक एग्रीमेंट होता है सारे पर्सनों के बीच में, ठीक है ना। फिर दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं,
ये हम देख ही रहे हैं। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने डिसाइड किया, एग्जिस्टिंग बिजनेस बिजनेस होना जरूरी है, ऐसे नहीं कोई भी इलीगल काम के लिए हम लोग पार्टनरशिप बन रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है ना। कुछ लीगल चीजें होनी जरूरी होती है। फिर हमने ये देखा कि एक्टिंग ऑल ऑर एनी डेम ऑफ द, ये वाली हमने एक्टिंग की, और म्यूचुअल कंसेंट, ऐसे नहीं हम किसी को जबरदस्ती हम पार्टनर बना दें, ऐसा नहीं चलने वाला। हमें उससे पूछना पड़ेगा, हमें रेडी कराना पड़ेगा कि भाई आप रेडी हो यानी या नहीं हो, तभी हम उसको म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनर बना सकते हैं, अदरवाइज हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते। अब आते हैं हम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिटेशन पर। तो देखो कितने पार्टनर हो सकते हैं स्क्रीन पर आप जैसे देख रहे हो कि मिनिमम तो बेटा 2 पार्टनर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब मैक्सिमम क्या होता है वो ये 50 लिमिट दी हुई है, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि देखो पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है, अभी हमने पीछे देखा कौन गवर्न करता है बेटा, देखो देखो ये लिखा हुआ है 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है ना। तो उसके पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि उसमें मैक्सिमम कितने पर्सन होना लिमिट है, कहीं नहीं लिखा हो। लेकिन ये बात कौन स्टे करता है, इसको ये रोकता है कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट ही इसको मिनिमाइज करता है कि आप इतने से पार्टनर ज्यादा नहीं रख सकते, ये एक्सेस है, ठीक है ना। इतने से ज्यादा आप पार्टनर नहीं रख सकते, कौन बोलता है 100, कंपनी एक्ट बोलता है। लेकिन कंपनी एक्ट का एक रूल है, वो बोलता है कि आप 50 से ज्यादा नहीं रख सकते, ऐसा क्यों, ये उनकी बात है। कंपनी एक्ट में ये लिखा हुआ है तो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है ना। चलो हम आगे देखते हैं, अब हम लोग अपने नेक्स्ट में, अब एक और कंसेप्ट चलता है, वो होता है LLP। LLP बेटा वेरी गुड कंसेप्ट टू द, क्योंकि देखो LLP में क्या होता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, और सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस होता है रिटर्न एग्रीमेंट का। यहाँ पर देखो वर्ड है रिटर्न एग्रीमेंट, जबकि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी रिटर्न नहीं लिखा हुआ है। यहाँ देखो पार्टनरशिप रिलेशन लिखा हुआ है, ये एग्रीमेंट होता है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट कहीं नहीं लिखा, समझ रहे। तो यहाँ पर ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर का विद द LLP होता है, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स होते हैं, ड्यूटी पार्टनर को सेम एज ए पार्टनरशिप होता है। इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखो पार्टनरशिप होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को गवर्न करता है, LLP को 2008। LLP को क्रिएशन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए ROC में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, पहली बात, ये ऑप्शनल होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार पर कराइए या नहीं कराइए, हर स्टेट के एक एक रजिस्ट्रार होते हैं, आप लोग करा सकते हो। और कुछ उनकी स्टैंप ड्यूटी लगती है, हर स्टेट की स्टैंप ड्यूटी अलग अलग होती है। MP में हमारे यहाँ 5,000 के स्टैंप पर पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट होती है, जबकि अदर UP में तो 200 रुपये पर भी हो जाती है एग्जीक्यूट, 1,000 रुपये में भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आउट कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो अलग अलग स्टेट, हर स्टेट की अलग अलग स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से वो होता है। मैक्सिमम लिमिट हमने भाई बताया है, LLP में कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि LLP ही एक कंपनी एक्ट के थ्रू ही बनती है, देखा जाए तो, सॉरी कंपनी एक्ट की ROC के थ्रू बनती है, एक्ट कौन सा लगता है LLP एक्ट, इसलिए मैक्सिमम लिमिट नहीं है इसमें, आप कितने भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होती है वो हमने अभी 50 पर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अब ये देख रहे हो यहाँ पर तीन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप हमने देख लिया, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, फिर पार्टनर, पार्टनर कौन होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हैं वो हम उनको बोलते हैं पार्टनर। जैसे ए और बी है, जैसे ये दो बंदे देख रहे हो आप यहाँ पर, ए और बी दोनों मिलकर पैसा लगा रहे हैं एक पार्टनरशिप करके, मान लो एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब वो दोनों पैसा लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और जो बंदे ने पैसे लगाए हैं, जो पर्सन है इंडिविजुअल है जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, वो बोलते हैं हम उनको पार्टनर, ठीक है। अब फर्म क्या है, दोनों पार्टनरों को कलेक्टिवली नेम किया जाता है फॉर्म। अब जिस फर्म का नाम वो इनपुट रखेंगे, अपना पार्टनर का फर्म का नाम रखेंगे, जैसे कि मैसेज आरती ट्रेडर्स रख लीजिए, नवीन ट्रेडर्स रख लीजिए, व्हाटएवर जो भी आपको नाम रखना है ना, आपके आनंद मार्ट रख लीजिए, आपको जो भी नाम रखना है आप वो रख सकते हैं, वो फॉर्म नेम होता है, ठीक है ना। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि ये एंटिटी पार्टनरशिप है, कंपनी है ये, या उनके हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पता करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन से पता करते हैं, उनके पैन कार्ड से पता करते हैं कि वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, HUF है, और चीजों से हमें ये पता लगता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड वेरी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। देखो कभी भी इन दोनों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए हम लोग एक डीड एग्जीक्यूट करते हैं। डीड होते हैं एक रिटन एग्रीमेंट होता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो कि स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है, ठीक है ना। वो हमें क्या करना होता है,
हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको, और हम उसको एक स्टैम्प पर नोटरी कराते हैं, और नोटरी लॉयर के थ्रू, हम एडवोकेट के थ्रू, हम उसको एग्जीक्यूट करा के, हम उसको दो विटनेस के पर्सन के साइन लेके हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और फिर उसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, कंडीशन को हम नाम देते हैं क्लॉजेस, क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डील। ठीक है, अब हम क्लॉजेस देख लें कुछ। बेटा क्लॉजेस को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, आप इनको इजी तरीके से याद कर सकते हो, फाइनेंशियल क्लॉजेस एंड नॉन फाइनेंशियल क्लॉजेस। ठीक है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, फाइनेंशियल क्लॉजेस एंड नॉन फाइनेंशियल। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे शादी के कार्ड में जो जो चीजें होती है वही हमारी नॉन फाइनेंशियल क्लॉजेस होते हैं। सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे दोनों बॉयज एंड गर्ल के नाम होते हैं, ऐसे ही दोनों पार्टनर के नाम होंगे। बॉयज एंड गर्ल का एड्रेस होता है, यहाँ पर दोनों का एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस जहाँ शादी हो रही है वहां का एड्रेस होगा, ऐसे यहाँ पर बिजनेस कहाँ हो रहा है उसका होगा, बिजनेस किसका हो रहा है। ठीक है ना, तो किस नेचर ऑफ बिजनेस का हो रहा है तो वो भी यहाँ पर नाम होगा। ठीक है, क्या क्या समझ में आया, किस डेट को हो रहा है तो यहाँ पर डेट ऑफ कमिटमेंट। अच्छा, शादी हमेशा के लिए चलेगी, ऐसे यहाँ पर कि शादी हमेशा वाली है, यानी ये बिजनेस हमेशा के लिए आप लोग पार्टनरशिप डीड बना रहे हो, या उस समय के लिए बना रहे हो, जैसे हमने एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, रोड फिनिश, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया तो पार्टनरशिप भी फिनिश, तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन भी डालनी पड़ती है, यानी कि डेट ऑफ कमिटमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, तो ये भी हमें डालना पड़ता है। तो ये होते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल क्लॉजेस। ठीक है ना, जैसे हम लोग एक थोड़ा सा देखें, नॉन फाइनेंशियल क्लॉजेस ये होता है, तो पार्टनर्स नेम जैसे मैंने भी बताया, और जैसे कि नाम मिस्टर ए और बी, एड्रेस उनके फर्म का एड्रेस, ये एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, किस डेट को बना उसकी डेट, रेशियो ऑफ पार्टनर, अब भविष्य में फ्यूचर में वो दोनों हर इनकम अपनी सारी, जैसे आप उसको ले लो हस्बैंड वाइफ, आपको दोनों शेयर करेंगे हर चीज को, दोनों शेयर करेंगे घर की सारी चीजों को शेयर करेंगे, तो कितना कितना शेयर करेंगे, किसका कितना राइट होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, शेयरिंग रेशियो, यानी कि कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा, एक 50-50% करेंगे या 80-20 करेंगे, तो ये हम सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। कंडीशन, कोई घर में अगर नया आता है, यानी कि हम एडमिशन देना है किसी पार्टनर, तो क्या कंडीशन होगी, जैसे कोई सीए फॉर्म है, तो सीए फॉर्म में हमें कंडीशन है कि हम नया पार्टनर जब भी एडमिट करेंगे तो वो सीए ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऐसी हम कंडीशन डाल सकते हैं, या रिटायरमेंट होगा तो कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है, अगर जानबूझ के रिटायर होता है ऐसे टाइम पर जब हमारी कंडीशन फाइनेंशियल क्रंचेस ज्यादा है, तो उसको 10 लाख रुपए देके जाना पड़ेगा। तो दीज आर द कंडीशन, ये होती है नॉन फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल कंडीशन पर हम आते हैं, अब आते हैं हम फाइनेंशियल क्लॉजेस पर। आप फाइनेंशियल क्लॉजेस देख रहे होंगे, फाइनेंशियल क्लॉजेस का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, जैसे कि दोनों ने कितना पैसा लगाया, जैसे हम वहां चलते हैं जरा शादी वाले एग्जांपल, दोनों ने कितना पैसा लगाया शादी में, तो यहाँ पर हमें फॉर्म में ये लिखना पड़ता है कि हमने दोनों ने मिनिमम कैपिटल कितनी लगाई है, तो वो क्लॉजेस में आपको लिखना पड़ेगा कि मिनिमम कैपिटल आपको कितनी लगाई है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जो पैसा आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है बिजनेस में, जैसे यहाँ पर 3-3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए, तो 3 लाख पर कितना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग, अगर पार्टनर उस 3 लाख में से कुछ विड्रॉ कर लेता है, जैसे मान लो 1 लाख विड्रॉ किया उसने, तो फर्म से तो पैसा कम हो गया, तो और फर्म को फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं, और फर्म को पैसे की जरूरत है, और आपने ऐसे टाइम पर पैसे निकाल लिए जब फर्म को जरूरत थी, तो फर्म क्या करेगी, आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हम जो इंटरेस्ट की रेट होगी तो वो हमें लिखना पड़ेगा, और आप कितना मंथली विड्रॉ करोगे वो भी आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। ऐसे नहीं आप कभी भी आप अपनी मर्जी से कभी भी पैसा विड्रॉ करो, ऐसा नहीं चलने वाला, हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन रेवेन्यू, सैलरी, पार्टनर कितनी सैलरी लेंगे। देखो बेटा, पार्टनर सैलरी जब भी लेते हैं तो एक इनकम टैक्स एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, उससे आप ज्यादा नहीं ले सकते हो। ठीक है, वो लिख देते हैं वहां पर कि एज पर द इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन में जो भी है हम उसके हिसाब से सैलरी लेंगे। मैं आपको एक अभी डील का फॉर्मेट दिखाता हूँ, ठीक है ना, अभी हम लोग देखते हैं। फिर होता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू एडमिशन, आप मिनिमम कैपिटल कितनी रखोगे कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कोई नया पार्टनर आने वाला उससे मिनिमम कैपिटल कितनी लोगे, 2 लाख 3 लाख व्हाटएवर जो भी इसमें जो लिखे हुए वो मतलब लिख ही दिए। बाकी का होता है कि बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, एक नया और ऑप्शन होता है कि आप बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करने वाला है, दोनों में से कौन करेगा, या दोनों करेंगे, या एनी वन ऑफ द सर्वाइवर करेगा, ये सारी कंडीशन रहेंगी। ठीक है ना, इसमें एक आर्बिट्रेटर का भी एक कंसेप्ट होता है बेटा, एक आर्बिट्रेटर होता है, अगर मान लो दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होते हैं पार्टनर की, तो थर्ड पार्टी कौन होगी जो इन दोनों के डिस्प्यूट को रिजोल्व कराएगा। तो एक आर्बिट्रेटर का भी नाम लिख सकते हैं, राइट्स एंड ड्यूटी भी लिख सकते हैं पार्टनरशिप में। फाइनल अकाउंट बनाने का राइट किसका होगा, किसकी ड्यूटी होगी फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर करने की, वो सारी चीजें कंडीशन भी हम नॉन फाइनेंशियल में डाल सकते हैं। ठीक है, चलो मैं एक आपको एक पार्टनरशिप डीड का थोड़ा सा फॉर्म दिखाता हूँ।
देखो डा, एक ये स्पेसिमेन है, ये टी एस ग्रेवाल की बुक है, उसमें से मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखो ये स्पेसिमेन दिया हुआ है इन्होंने, दिस डेट ऐसे बनती है, जिस डेट को बनती है, देखो ये नाम लिखा, ये दोनों पार्टनर हैं ठीक है ना, ये और ये दोनों पार्टनर हैं ठीक है, किस डेट को बन रही है वो हमने लिखी दिया। देखो नेचर ऑफ बिजनेस हमने लिख दिया, कहाँ पर बन रही है ये हमने लिख दिया, नेम ऑफ द फर्म हमने ये लिखा, ये देखो ये नेम ऑफ द फर्म लिखा हुआ है, पार्टनर फर्म सैलरी देखो ये लिखा हुआ है, नेम ये दोनों पार्टनर के नेम लिखे हुए हैं, किस डेट को ये बन रही है पार्टनरशिप ये लिखा हुआ है, किस नेचर का बिजनेस, देखो मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ का, ये कहाँ पर प्लेस होगा, सेवन पार्क कैलकाटा में ये होगी, कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, देखो बेटा 5 लाख, 5 लाख रुपये लगा, एडिशन कैपिटल और लगा भी सकते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा क्या, नो मना कर रहे हैं वो लोग, सैलरी मिलेगी नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एस के एस में भी पार्टनर जो आपस में डिसाइड किया है वो होगी इक्वल। देखो अकाउंट्स कौन बनाएगा, अकाउंट्स तो क्लोज होंगे 31 मार्च, नए पार्टनर की कंडीशन उन्होंने डाल दी है, देखो रिटायरमेंट की कंडीशन डाल दी है इन्होंने, डिजोल्यूशन की भी कंडीशन डाल दी है, बैंक अकाउंट देखो कौन ऑपरेट करेगा लिखा हुआ है इसमें सारी चीजें, जनरल कंडीशन आप जो अपनी मर्जी से और भी जो लगाना चाहते हो हुआ इसमें और डाल सकते हो ठीक है ना। देखो कोई भी देखो ये लिखा है डिस्प्यूटेड आर्बिट्रेशन लिखा हुआ है, अभी बताया मैंने आपको आर्बिट्रेशन के बारे में, तो ये आर्बिट्रेशन की आपको कंडीशन भी डालनी पड़ेगी ठीक है, फिर दोनों के साइन हो जाएंगे, साइन तो होना जरूरी है ना, विटनेस ये इनका क्या होता है हमारे में पार्सन बीट का एक फॉर्मेट ठीक है। चलो अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या होने वाला है, अब हमें ये चीजें देखनी है ठीक है। अब देखो बेटा पार्टनरशिप डीड ही नहीं है हमारे पास तो हम क्या करें, देखो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात, क्योंकि आपके पास कुछ एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, आप कैसे शो करोगे कि आपने 10 लाख लगाए थे या 5 लाख रुपए लगाए, सिंपल है, आपको ना सैलरी मिलने वाली है, न आईओसी मिलने वाला है, न इंटरेस्ट मिलने वाला है ठीक है, लेकिन ये दो चीजें आपको मिलने वाली है अगर बिजनेस में पार्टनर ने पैसा एज ए लोन दिया हुआ है, क्योंकि पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलने वाला नहीं है तो मैं कैपिटल क्यों लगाऊं, तो वो बोलता है कि मैं आपको लोन दे दूंगा, लोन दोगे तो लोन का प्रूफ क्या होता है, कोई बात नहीं है, लोन हमेशा एज ए कैपिटल नहीं माना जाता है एज द पार्टनरशिप एक्ट, तो उस हमको क्या मिलेगा 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और कोई बात ही नहीं है, ये शादी कार्ड पर ये तो लिखा नहीं होता कि आगे दोनों कितने पार्ट को शेयर करेंगे, तो ऐसे यहाँ पर नहीं लिखा, दोनों बराबर के हिस्सेदार, दोनों बराबर के मालिक हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी रेशियो भी हमेशा बराबर हो जाएगा ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करें, चलो पहला क्वेश्चन है देखो, इन द पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रूल रिलेशन टू द सैलरी, किसी को नहीं मिलने वाली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नहीं मिलने वाला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना मिलेगा बेटा 6%, आपको 6% आपको 6% मिल जाएगा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर नो का चार्ज। चलो यहां पर आ जाते हैं, एबीसी आर पार्टनर ऑफ द फर्म, दे डू नॉट द पार्टनरशिप डीड, उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है लेकिन बी और सी मना करते हैं, कौन से ये बी और सी, बी क्या कर रहा है बेटा सैलरी ले रहा है लेकिन ए और सी नहीं मान रहे कि नहीं ये गलत है सैलरी, तो सैलरी नहीं मिलने वाली बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बिल्कुल मिलेगा लेकिन 10% नहीं मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा फिर 6%, ये हमने ऊपर लिख रखा था, लिखा था ना 6% है ना, तो ये यहाँ पर 6% मिल जाएगा। ए और बी है दोनों ने कैपिटल लगाई है, तो ए कहता है कि मुझे मैंने पैसे ज्यादा लगाए हैं तो मुझे ज्यादा मिलेगा, बी कहता है नहीं नहीं मैंने कम लगाया, तो ये तो यहाँ पर उनको इक्वल बांटना पड़ेगा। ऐसे ये थर्ड है देखो, एक 1 लाख है और एक 4 लाख है, डीड पार्टनरशिप डीड नहीं है, ए कहता है कि मैंने ज्यादा पैसा लगाया है या बी कहता है मैंने ज्यादा पैसा लगाया है, इस क्वेश्चन में बी ने ज्यादा पैसा लगाया है, तो बी कहेगा मुझे मुझे तो कैपिटल के हिसाब से चाहिए, और ए कहेगा मैं तो नहीं नहीं मैं तो इक्वल बांटूंगा क्योंकि डीड नहीं है, तो कौन सी है यहाँ पर ए से ठीक है। अब देख लेना ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा, ये तीन चीजें हैं मैं आपको मैं बता दूं, अब हम जो सीखने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, ये तीन कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12 का पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले। पहला है रेशियो, रेशियो हम कैसे लिखते हैं क्या चीजें हैं ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट की रेशियो में कैसे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और थर्ड होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का मैं लेक्चर कल बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन कैपिटल अकाउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा हम आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेशियो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1,
कंसेप्ट नंबर वन है रेशो का। रेशो में देखो बेटा, हम लोगों ने आपको पहले ही बताया है कि हम लोगों क्या देखते हैं। सबसे पहले है देखो, रेशो को किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, एज द फ्रैक्शनल फॉर्म। तो 10% को 1/10, 20 को 1/5, 25 को 1/4, 33.33 को 1/3, 50% को 1/5, 66.667 को 2/3, 75% को 3/4 एंड 50% को 4/5। बट सारे जितने भी रेशो है उनका सबका टोटल हमेशा 1 होता है, 1 से कभी ज्यादा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी बात है, चलो हम लोग चेक करते हैं। जैसे ए और बी पार्टनर है, ए 20% शेयर करता है, तो बी कितना कर रहा होगा बेटा, टोटल होता है 100 और 1, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, 100% में से 20% वो होल्ड कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 80%। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम 1/5 लिख सकते हैं, टोटल कितना होता है 1, तो 1-1/5 इक्वल टू 4/5, और 4/5 को हम लिख सकते हैं 80%। समझ में आया, सी देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ए बी सी होल्ड्स 30% 20%, तो सी का निकालना है, तो सी का कितना होगा चेक करो, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, और 100 होता है टोटल, तो 50 100 माइनस 50, तो उसका सी का कितना रेशो हो गया 50। हम लिख कैसे सकते हैं, 30/100, 20/100 और 50/100, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट नंबर टू, किसी भी अमाउंट को रेशियो में कैसे डिवाइड करना है, पहले हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि रेशियो रिटर्न इन द फॉर्म, हम लोग रेशियो कैसे लिखते हैं। हम लोग रेशियो हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं। ए और बी, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ए और बी का रेशियो कितना हुआ है, 3:2 है, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/3+2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको टू 3/5 और इसको लिखेंगे 2/3+2 इक्वल टू 2/5। तो एबीसी को हम लोग, अब ये दूसरा एग्जांपल है, हम लोग ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, तो देखो हम लोग रेशियो को कैसे लिखते हैं बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, रेशियो को हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो हम लोग सेकंड एग्जांपल देते हैं, एबीसी 3:2:1 है हमारा रेशियो, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो यह है 3:2:1, तो 3/6, 2/6 और 1/6, इसमें कोई डाउट, 3/3+2+1, तो ये 6 हो गया टोटल, तो 3/6, 2/6 और 1/6, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो मेन है हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें ये चीजें हमें सीखना है, आज मैं ये और सिखाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये समझते हैं, देखो बेटा क्या होता है, जो भी रेशियो होता है, अभी हमने बताया 2:3 है, तो 2/5 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बस उसमें, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि इस पहले एग्जांपल में देखो, हमारे पास प्रॉफिट दिया है 45,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में, तो कैसे लिखेंगे हम 2/5, ये पता है 2/5 कैसे है, 2/2+3=5, और ये आ गया 45,000 हमारा प्रॉफिट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके 18,000, ऐसे ही सेम ये आ जाएगा। थर्ड देखो जनरल रिजर्व, ये भूल जाओ अभी कि ये क्या है जनरल रिजर्व है क्या है, हमें बस ये देखना है कि अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कोई भी अमाउंट है हमें उसको रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस हमें ये सीखना है, ठीक है। एबीसी पार्टनर है हमारे पास 1:2:3 रेशियो, और जनरल रिजर्व है हमारे पास 1,20,000, और डिवाइड कैसे करेंगे, देखो 1 है तो 1/6 × 1,20,000 आंसर आ गया 20,000, ऐसे 2/6 × 1/20,000 40,000, और 3/6 = 60,000, समझ में। तो अब लोग हम लोग आगे वाले जो लेक्चर है उसमें कैपिटल अकाउंट पर फोकस करने वाले हैं, बिल्कुल प्योर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हर आगे आने वाला है, तो हमें इसे ये ध्यान रखना है कि हमें आगे वाला लेक्चर मिस नहीं करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो हम लोग आगे अपने चैप्टर में फ्लो में आ जाएंगे, बस कैपिटल अकाउंट मुझे आपको समझाना है बस, फिर हम लोग आगे चैप्टर वाइज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर का क्या स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, हम आगे मिलेंगे, ठीक है। हम लोग फिर देखते हैं हम लोग कैसे हम लोगों को आगे और बढ़ना है, ठीक है। चलो चैनल सब्सक्राइब करो आज ही अपने आगे के लेक्चर के लिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमें आगे क्या करना है, क्या नए नए लेक्चर से आपको नई नॉलेज के साथ में आपको अपग्रेड करूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, ओके।